जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। मायोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स, मांसपेशियों में सूजन एक समस्या है जिससे कि मसल्स वीक हो जाती हैं और पेन, ब्रूस्ट पेन मसल्स में होने लगता है। आज हम साथियों बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो मायोसाइटिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने में आपकी मदद करेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मायोसाइटिस की, मायोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स की। एक साथियों, यह क्रोनिक कंडीशन होती है जिससे मसल्स में सूजन आ जाती है, मसल्स इन्फ्लेम हो जाती हैं, मसल्स में पेन होने लगता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे मायोसाइटिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएँ। दवाएं साथियों जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं या हमारे चैनल के अन्य किसी वीडियो में बताई जा रही हैं, दवाएं कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं मायोसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएँ। एक स्थिति साथियों आती है जब मसल्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लें, फंक्शनल चेंज तो हो ही रहा है कि मसल में इन्फ्लामेशन आ गया है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होने लगे, मसल में जर्किंग होने लगे, कॉन्ट्रेक्शन होने लगे, इस तरह की स्थितियां होने लगें, तो उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा आती है मायोसाइटिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की, और दवा का नाम है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार मायोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स के उस केस में ली जा सकती है जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस मसल्स में आने लगे हैं। चलने से मरीज की तकलीफ बढ़ती है, मरीज की ड्राइनेस रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, अगर यह कंडीशंस हो तो ब्राइनिया एल्बा ऐसे मरीजों के लिए बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों, चोट लगी हो, कोई इंजरी पहुंची हो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से और उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स यानी मायोसाइटिस हो गया हो, अगर यह स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्निका। आर्निका 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, रूमेटिक पेन हो रहा हो बॉडी में, रूमेटिक आर्थराइटिस हो रही हो, मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गया हो और वह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जैसे आर्थराइटिस वगैरह में होता है, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यदि मरीज के मसल्स में इन्फ्लेमेशन है, उनको रूमेटिक आर्थराइटिस है और चलने से मरीज को आराम मिलता है, जब थोड़ी देर वॉक कर लेता है तो आराम मिलना शुरू होता है, लेकिन जब चलना शुरू करता है तो बहुत दर्द होता है, ऐसी स्थितियां हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। एक स्थिति आती है साथियों कि मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो और साथ में मसल्स में ऑसिफिकेशन, कैल्शियम का ऑसिफिकेशन शुरू हो गया, मसल्स ब्रिटल और हार्ड होने लगी हो, यदि साथियों ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में आती है मायोसाइटिस के केस में थूजा ऑक्सीडेंटेलिस। थूजा 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है, यह दवा मरीज को लाभ देगी। यह साथियों कुछ दवाएं थी मायोसाइटिस की यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा, यह राय आप इस कमेंट पोर्शन में अवश्य लिखिएगा, मुझे इससे मार्गदर्शन मिलेगा।
मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। और निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने मित्रों समाज के लोगों के बीच पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, यानी वीडियो शेयर करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।